नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित पे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो रेट कट की डेट है वो आ चुकी है, लेकिन इससे कंफ्यूजन कितना क्रिएट होगा अमेरिका के बाजार पे ये अभी पता नहीं है। तो बी प्रिपेयर्ड कि अब यहाँ से जितने भी दिन, यानी अगर प्रॉक्स अगर आप संडे सैटरडे निकाल दें तो आपके जो 10 से 15 दिन जो भी ट्रेडिंग सेशन रहेंगे इस पर्टिकुलर मंथ में, उनमें काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। अगर आप देख भी रहोगे तो विक्स कभी 8% डाउन हो रहा है तो कभी 8% अप हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि मार्केट वोलेटाइल रहेगा, इसमें 1% का डाउट नहीं है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ECB, अब ECB कौन है, ECB क्या है, फेड और ECB का देखिएगा क्या डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, और वो कैसे ट्रबल कर सकता है मार्केट को। या फिर आप देख ही सकते हो कि अगर यूरो जोन की बात करी जाएगी तो वहाँ पे 20 नेशंस हैं, कितने हैं, 20 नेशंस हैं, और अगर वहाँ पे कोई एक्शन होने जा रहा है तो अमेरिका उसको फॉलो करता है कि नहीं करता है, ये बड़ा चैलेंजेस होगा। क्योंकि यूरो आपको पता है एक डोमिनेटिंग करेंसी इन द वर्ल्ड, और अगर यहाँ पे चेंजेस यूरो कर रहा है, यूरो जोन कर रहा है, ECB कर रहा है, तो अमेरिका का क्या यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू होगा ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिसका इम्पैक्ट भी मार्केट पे देखने मिलेगा। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे ECB के देखेगा स्टॉर्नर्स ने देखा है कि 3 रेट कट होंगे 2024 में। ये आपको भी पता है, अमेरिका ने भी सेम टू सेम बात बोली है, कब होंगे ये नहीं पता है, ये मैं बता दूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के चलते देखिएगा ये बात बोली गई है कि ग्रोथ अभी काफ़ी अच्छी है, इसलिए इससे ज़्यादा रेट कट नहीं किए जा सकते। अब बात करते हैं कि अगर यहाँ पे फेड अभी तक जो लास्ट मीटिंग हुई है थर्सडे को, वो वेडनेसडे को, उसमें भी देखिएगा उसने ये बोला है कि जब तक हम डेटा से सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक हम रेट कट नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं जब वो अपडेट आया तो जून का जो एक वो नहीं होता है, लाइक एक जो सिनेरियो मार्केट ने बना रखा था कि रेट कट होगा, तो वो थोड़ा सा फेड अप हुआ, थोड़ा सा क्या हुआ, कम हुआ। फिर ECB क्या कह रहा है, ECB क्यों डाइवर्ट है रेट कट के मुद्दे पर कंपैरेटिवली टू फेड, ये सबसे बड़ा चैलेंज है इकोनॉमिस्ट के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो ECB ने क्या कहा है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने वाइडली एक्सपेक्टेड, उन्होंने देखिएगा पूरी तरीके से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, 90% से भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे रेट कट होगा, और वो अगले महीने जून में देखने को मिलेगा। यानी कि ECB एक रेट कट करेगा जून में, बैरिंग एनी मेजर सरप्राइजेज, यानी कितने भी डेटा ख़राब आ जाएँ, कोई भी सरप्राइज आ जाए, कोई भी डेटा में अचानक से देखिएगा बदलाव देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। और अगर आप देखेंगे प्रॉब्लम ऑफ कटिंग रेट्स राइट नाउ इज दैट द ECB टेक्स फॉर ग्रांटेड द स्ट्रेंथ ऑफ द यूरो। तो अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से अलग अलग व्यू हैं, अलग अलग लॉजिक्स हैं, और यहाँ पे आपको देखना होगा कि फेड दैट इज बेसिकली गिविंग द वर्ल्ड अ सिग्नल दैट द यूरो नीड्स टू वीकन ही एडेड। तो आप समझ सकते हैं कि फेड तो कहीं से भी नहीं चाहेगा कि वो डोमिनेट ना करे, क्योंकि ये माना जाता है कि फेड पहले कोई चीज़ करता है, देन आफ्टर दैट यूरो और एशियन कंट्रीज उसको फॉलो करते हैं। तो अगर आप देखेंगे द प्रॉस्पेक्ट ऑफ द यूरोपियन सेंट्रल बैंक डाइवर्जिंग फ्रॉम द फेड ऑन इंटरेस्ट रेट कट इज लाइकली टू बी पर्टिकुलरली निगेटिव फॉर द 20 यूरो जोन, यानी कि 20 देशों के लिए वो निगेटिव रिएक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, निगेटिवली रिएक्ट कर सकता है, ऐसा मानना है बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट का। तो आप समझ सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट जून देखिएगा, यहाँ पे बातें चल रही हैं, रीसेंट डेटा भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। अब ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि यूरो जोन का जो इन्फ्लेशन है वो कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर है अमेरिका से। आप देख सकते हो 2.4% का इन्फ्लेशन देखते हुए मिल रहा है, जो कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर है। और अगर यहाँ पे रेट कट हो जाता है तो फेड के भी ऊपर ये देखिएगा इम्पैक्ट पड़ सकता है कि वो भी जल्द से जल्द रेट कट करे। तो कई सारे ऐसे मेजर रीजन है जिसका देखिएगा काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट पे। रेट कट की बात ये कंफर्म हो गई है कि कहीं ना कहीं से आपको रेट कट देखने को मिलने वाला है यूरो जोन से।
अगले हफ्ते अगले महीने देखने को मिलने वाला है, और अगले महीने ही आपको इलेक्शन के रिजल्ट भी देखने मिलने वाले हैं। तो ये अगर जो कॉन्फ्लिक्ट जो डाइवर्जन है अमेरिका और यूरो जोन के बीच में, अगर इस कारण से कोई बहुत बड़ा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है तो मार्केट वोलेटाइल होगा, और जिस भी साइड ही जाएगा तो उधर बहुत तेज़ी से जाएगा, चाहे वो डाउन साइड जाए चाहे वो अप साइड जाए। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है, आपको बड़े देखेगा बड़े बड़े इवेंट देखने को मिलेंगे मार्केट में, क्योंकि अब इलेक्शन के लास्ट फेज आना शुरू हो जाएंगे। राम राम।